हेलो एवरीवन, दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी चटपटा, स्वादिष्ट और मैगी के जैसे टेस्ट वाला मसाला घर पे कैसे तैयार करें। इसे बनाने के लिए आपके किचन के सामान की ही आवश्यकता होगी और ज़्यादा कुछ हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। फिर भी मसाला हमारा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, इससे हमारी सब्जियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। तो आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर पे बनाया हुआ है तो ये बहुत अच्छा भी और शुद्ध भी होता है। तो आप भी घर पे बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत ही कम पैसे में बन जाता है। मैगी के टेस्ट वाला छोले के मसाले में ये बहुत ही अच्छा लगता है, छोले की सब्जी में ये मसाला, तो आप घर पे ज़रूर बनाएं। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी जीरा, एक बड़ा चम्मच में जीरा लेना है। इसके बाद हम लेंगे काली मिर्च, थोड़ी सी डालेंगे हम इलायची, छोटी वाली इलायची ना, ये थोड़ी मेरी कद्दूकस की हुई है क्योंकि मैंने चाय का मसाला बनाया था ना, तो उसमें मैंने ये देखिए इस तरह की है, इसके अंदर वो भी है तो ये बची हुई थी तो मैं इसी का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो साबुत इलायची भी ले सकते हैं। और थोड़ा डालेंगे हम अजवाइन, 3 से 4 पीस डालेंगे तेज पत्ते। बहुत ही बढ़िया से मसाला बनने वाला है तो आप इसको घर पे ना ट्राई कर सकते हो। थोड़े से डालेंगे हम लौंग, इसके साथ ही आपको डालना है थोड़ी सी ना दालचीनी। दालचीनी आपको मार्केट में मिल जाती है सब्जियों के लिए, खास तौर से इस तरह की दालचीनी होती है, तो ये मैं डाल रही हूँ दालचीनी। थोड़ी सी हम डालेंगे कसूरी मेथी और ये थोड़े से हम डालेंगे आंवले होते हैं ना, आंवले को मैंने सुखो करके लिया है तो ये आंवले का जो है वो भूरा है तो ये डालेंगे, इससे अच्छी सी खटाई आ जाती है। इसे आपको कुछ खट्टा डालने की जरूरत नहीं होती, कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होते हैं आंवला, तो आंवले का ये सूखा हुआ भूरा है, आंवले को कद्दूकस के सुखा लिया था। तो अब हम इसको पीस लेते हैं सभी को, सभी चीजों को मैंने जार में डाल दिया है, पीस लेते हैं। तो लीजिए हमारा जो सब्जी का मसाला है वो हमने अच्छी तरह से पीस करके रेडी कर लिया है और ये कुछ इस तरह का होता है। अब जब आप इस मसाले की सब्जी बनाएंगे ना तो आपकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और इसके अंदर से इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है, तो ये आपका मसाला जो है वो पीस करके तैयार है। चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया घर का मसाला तैयार हुआ है, इसे जब आप सब्जी बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और सब्जी के अकॉर्डिंग मसाला डालिए, बनाइए, फिर आपकी सब्जी कैसे बने मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, थैंक यू। ये जो है आप इसे स्टोर करके रखिए डब्बे के अंदर, जब भी आपको सब्जी बनानी हो, टेस्टी सब्जी बनानी हो ना, तो आप इस मसाले का यूज करें, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि सब्जी आपकी टेस्टी बनेगी, घर में सब आपकी वाह वाही करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। मैं तो ये मसाला बना करके अपने रिश्तेदारों को भेजती रहती हूँ, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है कि सब्जियाँ ना कुछ अलग से टेस्ट वाली हो जाती है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। और ये लहसुन प्याज की ज़रूरत नहीं होगी जब आप ये मसाला सब्जियों में डालेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी तक आप नए हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।